तो दोस्तों, भारत को आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ है। और जैसा कि हमें पहले से ही अंदाजा था कि जापान भी भारत के ऊपर दबाव बनाएगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भारत रूस के खिलाफ खुलकर उतर आए और जापान के सपोर्ट में आकर खड़ा हो जाए। और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को लेकर जापान भी चाहता है कि भारत रशिया की निंदा करे। दरअसल आप सभी को पता होगा कि मार्च की स्टार्टिंग में जब भारत के अंदर G20 के वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो जो जापान के विदेश मंत्री हैं योशिमासा हायाशी, उन्होंने आनन-फानन में भारत की यात्रा को कैंसिल कर दिया था, जिससे भारत को जापान यह संदेश देना चाहता था कि भारत को भी G7 कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया और यूक्रेन लड़ाई को लेकर रशिया की कड़ी आलोचना करनी चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर पहले केवल अंदाजा था कि जापान भी चाहता है कि भारत रूस का विरोध करे, परंतु यह जो बात है वो अब बिल्कुल पक्की साबित हो चुकी है, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आने जा रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री का भारत के प्रति मकसद यह है कि भारत को रशिया के खिलाफ विरोध करने के लिए कड़े तौर पर खड़ा करा जाए। और इस यात्रा का एक और मकसद है कि भारत और जापान के बीच में व्यापार और रक्षा क्षेत्र को लेकर कई सारे समझौते किए जाएं, साथ में इंडो पैसिफिक को लेकर भी जापान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। इसके अलावा जापान के अधिकारियों ने जो मेन मकसद बताया है वो यही है कि भारत और रूस के बीच में जिस प्रकार की दोस्ती है और भारत रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर जो रूस की निंदा करने से बच रहा है, भारत के इस रवैये को बदला जाए और इसके लिए जापान भी भारत के ऊपर प्रेशर डालेगा। और प्रेशर इस बात का है कि भारत और जापान अभी फिलहाल में काफी ज्यादा नजदीक आए हैं और हमारे रिश्ते भी पहले से काफी ज्यादा मजबूत हैं। इस कारण से जापान चाहता है कि भारत हमारे पक्ष में आ जाए, यानी G7 देशों के पक्ष में, और रशिया की खुली निंदा और कड़ा विरोध करना स्टार्ट कर दे, ताकि G20 शिखर सम्मेलन के अंदर भारत जैसा एक बड़ा लोकतांत्रिक देश रशिया के खिलाफ आकर खड़ा हो जाएगा तो रूस को रूस और यूक्रेन की लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को जापान की बात मानकर रशिया की कड़ी निंदा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए और न्यूट्रल रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप इस जगह पर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।